जनपद मुरादाबाद के वार्ड 39 से दिखाएंगे आपको जनता के मन में क्या है सवाल, जनता को था इंतजार आखिर कब होगा चुनाव, चुनाव की घड़ी आ चुकी है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। 4 मई को जनपद मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है। आइए जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितने कार्य किए गए, कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि अभी भी अधूरे हैं, आखिर जनता किसे अपना जो पार्षद पद का प्रत्याशी है वो चुनना चाहती है। क्या नाम है आपका? नितिन जी बताइए, आप तो युवा हैं, युवाओं की सोच अगर हम जाने तो किस नजरिए से क्षेत्र को देखें आप? हम क्षेत्र को क्या नाम देते हैं, एक उभरता हुआ देखते हैं, जो क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर मोनू भैया हमारे लवलेश कुमार नाम है उनका, और बतेरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो बिना उसके सभासद के, और हमने बतेरी सभासद जो यहाँ के योगेंद्र रस्तोगी हैं उनसे बतेरी वो करी दरख्वास्त, लेकिन वो यही कहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया। आप जानेंगे, आप बताइए कि इस बार किसे लेकर के आना चाहिए? जी हम चाह रहे हैं अविनेश कुमार मंडू को लेना चाहते हैं, और ये आम आदमी की पार्टी के सदस्य हैं और हम भी इससे आभारी हैं। और लोगों से जानेंगे, आप बताइए आपका मोनू भैया के साथ अविनेश कुमार, मोनू भैया क्योंकि इनको सुना जा रहा है जाती है तो वो उतर के भी नहीं आते साइन करने के लिए, उनसे कहते हैं कि साइन कर दो तो वो ये कहते हैं कि आपने हमें वोट कर दिया लो हम आपका साइन करें, और ना यहाँ वोट दिया उसी का काम करते हैं, हाँ उसी का काम करते हैं, वो किसी का काम नहीं करते, और यहाँ पे महीनों महीनों हो जाते हैं, झाड़ू लगे हुए, बच्चे गिर रहे हैं, नालिए तमाम गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। आप बताइए आप क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं या फिर मौजूदा पार्षद को ही वापस लेकर के आएंगे? बदलाव में तो पूरा सहयोग मोनू भाई के साथ है, मोनू भाई अच्छे अच्छे और ये पार्षद के अलावा भी काम कर देते हैं, इनका तो नगर निगम में काम करते ही हैं, जैसे भी इनकी जानकारी है सब लोगों को लेकर, कभी पूछे खराब हुए पड़े हैं, नाले की व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, इस व्यवस्था में सब तो बिजली है कभी काम नहीं जानेंगे। और लोगों से हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए हैं, आप बताइए कैसा होना चाहिए, जानेंगे कि आपके मन में चुनाव लड़ने का ख्याल कैसा है। नमस्कार, मैं लवलेश कुमार प्रजापति वार्ड 39 से प्रत्याशी मंजू रानी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, पिछले वर्ग महिला की सीट है, और जनता इन 5-10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सभासद योगेंद्र रस्तोगी जी यहाँ के सभासद रहे हैं, और क्षेत्र में 10 साल रह करके भी कोई किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं कराया गया बिल्कुल भी, सड़कें बिल्कुल खस्ता हालत हुई पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे, नालियों में सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और लाइटों की भी कहीं भी रोशनी नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट कितनी लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है वो भी नहीं जल रही, जो मैंने अभी पिछले 8 दिन के अंदर कम से कम 50 लाइटें सही करा चुका हूँ। कितना वोटर्स है टोटल वार्ड 39? वार्ड 39 में टोटल करीब 9,500 हुए। आप अपनी फाइट किसे मान रहे हैं इस बार, किसे जो है आप कंपटीटर मान रहे हैं? मेरा कंपटीटर तो नहीं, बस जनता के विकास के लिए जनता ने मुझे खुद चुनाव में उतारा है, और ये चुनाव जनता ने मुझे खुद चुनाव में उतारा है, और ये चुनाव हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक बनेगा आने वाले समय में, जिस तरीके से पब्लिक का प्यार दोनों तरफ से मुझे मिल रहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्की, और मैं क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं समय रहते हुए उन समस्याओं का निस्तारण करूंगा, जितने भी लोगों से मैंने वादे करे हैं वो सब पूरा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आजकल चारों तरफ भ्रष्टाचार, झूठे वादे पार्टियां लेकर आ रही हैं, एक नया ऑप्शन आम आदमी पार्टी का ही बसता है, जो दिल्ली में बहुत अच्छी तरीके से सरकार चल रही है, आपके पंजाब में भी बहुत अच्छी तरीके से सरकार चल रही है, उभरती हुई पार्टी है, युवाओं की अच्छी पसंद है, इसलिए आम आदमी पार्टी का। कौन होगा अगला पार्षद ये तो वक्त ही बताएगा। वार्ड 39 में केजरीवाल की झाड़ू चलेगी।